You are watching Poonch Live. पाकिस्तान आतंकवाद नाडी को रक्षा दो नाडी को रक्षा दो पाकिस्तान पाकिस्तान नाडी पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करो आतंकवाद को खत्म करो हथियार दो हथियार दो नाडी को हथियार दो हथियार दो हथियार दो नाडी को हथियार दो नाडी को सुरक्षा दो सुरक्षा दो सुरक्षा दो नाडी को सुरक्षा दो सुरक्षा दो सुरक्षा दो की ओर से प्रोटेस्ट किया गया। आप देख रहे हो कि आज हमारे जो एक कश्मीरी भाई का निहत्थे भाई का आज जो कत्लेआम किया गया कश्मीर के शोपियां में, उसकी हम भरपूर निंदा करते हैं। और ये जो पाकिस्तान एक नापाक देश है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम अपने आदरणीय गृह मंत्री और मोदी जी से अपील करते हैं। और साथ में एक अपील और करते हैं कि हमारी जो मिनोरिटी यहाँ वहाँ पर कश्मीर में रह रही है, उनको पूरे सुरक्षा दी जाए, उनको हथियार दिए जाए, वेपन दिए जाए, ताकि वो अपनी हिफाजत खुद करें। और साथ में अपील करते हैं मोदी जी से कि पाकिस्तान का के लिए फुल एंड फाइनल जो वार है वो छेड़ी जाए। पाकिस्तान का जो नामो निशान है, ये आए दिन हमारे जो मिनोरिटी या मिनोरिटी के साथ खिलवाड़ करता है, कभी किसी मिनोरिटी के खिलाफ करता है, कभी किसी मिनोरिटी के खिलाफ करता है, हम पूरा देश इस समय उनके दुख में शरीक है। जो हमारे कश्मीरी भाई वहां मारे गए हैं, और हम चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। देखिए, आज जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये पूंछ यूथ की तरफ से, पूंछ सिविल सोसाइटी की तरफ से, ये एक प्रोटेस्ट है जो आज हमारी एक कश्मीरी पंडित भाई को उन्होंने आज किलिंग किया है टेररिस्ट ने, तो ये इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। पूंछ के जितनी आवाम है, हमारी गुजारिश है एलजी गवर्नमेंट से कि जितना भी टेररिज्म जो जो एक्टिविटी चल रही है, इसको सख्ती से निपटा जाए। और मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी गुजारिश है कि जो जो पाकिस्तान जो नापाक हरकतें कर रहा है, इसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। हमारी पूंछ की यूथ में इस टाइम बहुत बड़ा गुस्सा है, किलिंग किसी की भी हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे सिख की हो, कि इंसान ही मर रहा है। तो हमारी इसी विजय में आज हमारी ये तो बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट था कि ये किलिंग को बंद किया जाए और जो माइनॉरिटी को है उनको सिक्योरिटी दी जाए। जैसा कि पुंछ यूथ की तरफ से एक आज प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है पाकिस्तान के खिलाफ, हम सब जानते हैं कि कश्मीर घाटी में एक बार फिर से जो कश्मीरी हिंदू हमारे भाई हैं, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, और ये सिलसिला पिछले काफ़ी समय से जारी है। हम ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आ रहा है, वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट हैं वो कश्मीर के अंदर नॉन लोकल्स को ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के मार रहे हैं। हमारी गुजारिश है भारत सरकार से और माननीय श्री अमित शाह जी से कि पाकिस्तान के खिलाफ और जितने भी टेररिस्ट एक्टिव हैं और उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं कश्मीर के अंदर, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि ये जो निर्मम लोगों की हत्या हो रही है उसको बंद किया जा सके। देखिए, आज ये जो यहाँ पर पुंछ यूथ की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से ये जो प्रोटेस्ट किया गया पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज दोपहर के टाइम, दिन के वक्त, पूर्ण किशन भट्ट जी जो शुपिया के रहने वाले थे, अपने सेबों के बाग में वो वहां पर काम कर रहे थे, अचानक मिलिटेंट आए, उनको टारगेट किलिंग की। कश्मीर में लगातार कश्मीरी पंडितों को जी टारगेट किलिंग हो गई। पिछले कई महीनों से कम 20-25 कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग हुई। ये प्रोटेस्ट जो सिविल सोसाइटी की तरफ से था, पूंछ के यूथ की तरफ से था, पाकिस्तान को कंडम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म की जो हब है वो इसको स्पॉन्सर कर रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी दरख्वास्त है कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं कश्मीर में, उनको वेपनाइज किया जाए, उनको सुरक्षा दिया जाए। पूरे देश में एक बार फिर जो है ये रोष है, गवर्नमेंट के खिलाफ भी रोष है, क्योंकि अगर ये टारगेट किलिंग इसी तरह होती रही तो फिर कश्मीर वैली में कौन जाएगा। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निवेदन है कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए और कश्मीर में जो भी माइनॉरिटीज है उनको सुरक्षा दी जाए। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं किया गया तो आप देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज जहां भी माइनॉरिटीज है वो इंसिक्योर है। इसलिए फिर आपके चैनल के बसात से ये जो प्रोटेस्ट है यूथ में, बहुत रोष है कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए और माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। धन्यवाद।